फिर भी हम प्रकाश का साथ नहीं दे रहे हैं, जाके भाजपा में फिर मार रहे हैं, फिर छोड़ के सांसद बन के फिर। हाँ, बात साफ है, बीजेपी ने अगर वोटिंग मशीन बदला नहीं तो सुधाकर सिंह जो है दारा सिंह चौहान की जमानत जब्त कर देंगे। तेज योगी जो है बेवकूफ आदमी है, मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा, इसी चक्कर में, खाली इसी चक्कर में, इसको मंदिर चाहिए मस्जिद चाहिए। मंदिर का जो है निर्माण छोटा मंदिर में हुआ है, बड़ा मंदिर में करके दिखाए मोदी योगी जी। जल्दी अपना फैसला, जनता सपा की सरकार लाएगी और सुधाकर सिंह को वोट देंगे हम लोग दारा सिंह चौहान। यही कहता हूँ प्रणाम योगी का, जो भी बढ़िया है। मारा बाबा के प्रणाम कल गलत है, बाबा के लात मारा जो भी आदमी तो बाबा का मतलब का भयल बाबा हमारे योगी योगी सही कर रहे हैं। अब कर्मचारी जो भी कर रहे हैं, कर्मचारी नहीं बाबा का दोष है। एक मिनट, आप लोग बाबा बहुत बढ़िया है। बाबा क्या बढ़िया, बाबा हमारे लिए ना चाहिए। नौजवान साथियों को चार साल नौकरी, बाबा क्या बढ़िया है, बाबा क्या गलती है। अरे हम लोग यहाँ सुधाकर सिंह जीतेंगे, हाँ पूरा माहौल है, जिंदा देंगे। यादव का विरोधी है, एसपी के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि 100% वोटों से जीते, अगर चोरी ना हो तो। अच्छा। देखिए मंत्री लोग जो है लखनऊ से आ चुके हैं, पूरे जो है इनका मंत्रिमंडल जो है घोसी का भ्रमण कर रहा है। अच्छा। अपने पावर को जो है मजमा रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा जो है संवैधानिक जो है अंतत्व लगाया है कि हम जो है राजपत्रीय अधिकारियों कब्जे में ले लेंगे, वोट किसी को पड़े जीतेंगे हम। सही है, सही है। ये हालात जो है घोसी की है, और दुनिया भर के योगी के मंत्री जो है मोह में डोरा डाले बैठे हैं। योगी तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये मानते हैं कि योगी बढ़िया है, उनका क्रम जो भी आदमी है वो भी गलत है। योगी बढ़िया आदमी है नहीं, ये तो कहा जाता है कि बाबा जो है, आपको जो है सरंगी मिली है, तो आप सरंगी लेके बजाओ, गुदरी मांगो। आपको औचित्य नहीं होता कि आप संवैधानिक अधिकार को किसी राजपत्रीय अधिकार पर जो है आप बैठो, ये कोई जो है संविधान के अंदर लिखा नहीं है। लेकिन योगी जो है मोदी की वजह से अनैच्छिक जो है उपचार लगा करके आज राजगद्दी पर उत्तर प्रदेश पर बैठे हैं। तो योगी जी आ रहे हैं, माहौल बदल देंगे, यहाँ का क्या बदल देंगे? सुनो, छोटे बच्चों की नसबंदी करा देंगे, ऐसा टीका लगा देंगे जनन ना हो, योगी की ये प्रक्रिया है। अच्छा, अरे तो राशन वगैरह दे रहे हैं सब, क्या देते हैं? सुनो मैं सुनो, राशन देते हैं 10 किलो देते हैं तो 5 किलो जो काट लेते हैं। महंगाई तो बहुत है, छोड़ो तो राशन, सिलेंडर तो महंगा हो गया, सिलेंडर तो महंगा हो गया। सड़वा योगी के गाड़ी में गई ला, कहीं लगा तो योगी गाड़ी में गई ला, दुनिया भर का जमला लगा के रख ले। मैं योगी, अरे बाबा के मैं यही कहता हूँ प्रणाम योगी का, जो भी अरे बढ़िया है। मारा बाबा के प्रणाम कल गलत है, बाबा के लात मारा जो भी आदमी बाबा का मतलब का भयल बाबा हमारे योगी सही कर रहे हैं। अब कर्मचारी जो भी कर रहे हैं, कर्मचारी नहीं बाबा का दोष है। एक मिनट, आप लोग बाबा बहुत बढ़िया है, बाबा क्या बढ़िया, बाबा हमारे लिए ना चाहिए। नौजवान साथियों को चार साल नौकरी, बाबा क्या बढ़िया है, बाबा क्या गलती है। अरे हम लोग यहाँ सुधाकर सिंह जीतेंगे, हाँ पूरा माहौल है, जिंदा देंगे। हम यादव का विरोधी है, हम लोग सुधाकर यादव को ही वोट देंगे। बाबा कहते हैं ये सब परिवारवादी है, कुछ नहीं, बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। बाबा क्या दिखावा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो जो अब नौजवान साथी अगर नौकरी पाया, जो नौजवान साथी नौकरी पाया उसका नौकरी 4 साल कर दिए बाबा, वही ना किए 20 साल की नौकरी 4 साल कर दिए। और बताइए बाबा क्या कहे, कुछ ना, ये तो गलत है, ये तो राज नहीं चलता था। और जो है आर्मी वाले जो इतना दिक्कत नहीं होती थी, देखते हैं कि आर्मी वाले जो बोलते थे ये गलत है। गुंडा पैदा हुआ ना, सुनते हम बताते हैं, जोगी के राज में इतना गुंडा पैदा हुआ, जो सिंह है उसको छोड़ दिया जाए, जो अहिर है, जो चमार है, जो मुस्लिम, उनको मार दिया जाए। जेल में 80% अहिर और अहिर का लड़का जेल में बंद है। अहिर का लड़का से आते हैं उत्तराखंड के, ये ठाकुर समुदाय के हैं, ये ठाकुरों का वर्चस्व करते हैं। पिछड़ा वर्ग को कुछ मिला था, आज भी हमारे गाँव में चलेंगे तो रोड नहीं मिला। आज हमारे गाँव में चलिए, जबलपुर का बात कर रहे हैं, आजाद नगर है, देखिए वहाँ पर जाके कितना गरीब आदमी है और एक भी आवास नहीं आया इसमें 23 में। इसमें क्या चल रहा है यार? तो अखिलेश मोदी योगी जी कल आ रहे हैं, पूरा कह रहे हैं मिजाज बदल देंगे। आप हमसे बात करिए, इटौरा चौबेपुर में आजाद नगर बना है, कब आवास आया है इटौरा चौबेपुर में, बोलिए आप कब आया है? विकास की धारा में विकास नहीं है, आजाद नगर है तो बताइए कब आएगा? उत्तर प्रदेश की जो है विकास गंदे नाली में बह रही है, विकास नहीं आया है इसमें। आजाद नगर से बात कर ले साहब, ये बताइए योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है विकास की धारा में रहा है और घोषित माहौल, हमारे यहाँ सब बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ कि ना, और हमारे क्षेत्र से सुधाकर सिंह जी बम्पर रोड से जीतने जा रहे हैं, ठीक ना, इंडिया का एकदम विजय होगा, इंडिया का जय होगा, ठीक ना, हमारे माटी का लाल सुधाकर सिंह जीतेंगे, निष्पक्ष जीतेंगे। हम कह रहे हैं अगर बीजेपी ने अगर वोटिंग मशीन बदला नहीं तो सुधाकर सिंह जो है
दारा सिंह चौहान की जमानत जब्त कर देंगे। चौबेपुर में आवास हमारे लिए एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं, इतना आवास पूरा ऑल इंडिया मिला है, बाकी आवास नहीं मिला है। हम बता रहे हैं अच्छा। चौबेपुर में आजाद नगर है, बोलिए कोई तोड़वाने वाला मर्द है, कोई भी उठा है? योगी जी, जोगी जी पूछे हैं कि आजाद नगर कहाँ है और आके घूमे हैं, घुमा के दिखाइए कि कितना आजाद नगर चौरा चौबेपुर में है। क्या लगता है योगी जी, कहते हैं बुलडोजर चल जाता है जो वो चाहे कुछ भी कर ले, जनता बदल दी अपना फैसला, जनता सपा की सरकार लाएगी और सुधाकर सिंह को वोट देंगे हम लोग दारा सिंह चौहान दल बदल नेता को हम लोग वोट नहीं देंगे। नेता है वो आजमगढ़ से, आजमगढ़ चले जाए। हाँ, सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के नेता है, घोसी विधानसभा के हमारे घोसी के नेता है, सुधाकर सिंह को हम लोग जिताएंगे। दारा जमीनी नेता है, इसीलिए देखिए चाहे कुछ कोई नेता हो, जमीनी नेता हो, आजमगढ़ क्या कर रहे हैं। दारा जो है दल बदलू है, एक महीने में दुनिया भर की पार्टी बदलता है, घोसी की जनता इसको जो है बिल्कुल लाइक नहीं करती। अच्छा, लेकिन कल योगी आ रहे हैं, माहौल गर्म है, एकदम गर्म है, लेकिन जोगी को 1% वोट नहीं मिलेगा। झोलिंग जाने वाली है घोसी, घोसी को वही देगा जिसके जो है 10,000-5,000 रुपए देंगे, 10-20 जो है वोट फूट जाएगा। अच्छा, चाचा का माहौल बा घोसी में? कौन घोसी में? सपा है भैया, सपा समाजवादी पार्टी है। माहौल है, माहौल है। योगी आ रहे हैं, कल कह रहे माहौल है बदल। योगी के आने के अखिलेश भी आए थे, उसमें क्या है? वो तो आते हैं, उनका आने का काम है, जाने का काम है। जितना अखिलेश यादव आए, जितना जनता वहां जुटी थी, उतना जनता जोगी बाबा आ रहे उनकी जोटी नहीं जुटेगी। रैली क्या है, हम पूरा देख रहे हैं। अरे आप देखते जाइए, आप मीडिया वाला ना, आप देखते जाइए। फिर भी हम ऊपर का साथ नहीं दे रहे हैं, जाके भाजपा में फिर गान मरवा रहे हैं, फिर छोड़ के सांसद बन के फिर लाठ चट रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बात साफ है। ये बताइए, बीजेपी के सरकार में हम लोग के गांव में आप चले जाएंगे तो आप लोग को रास्ता नहीं मिलेगी जाने के लिए? बताइए, 5 साल हो गया, 2-3 साल हो गया, बताइए 6 साल में जोगी बाबा लोग क्या विकास दिए हैं? हम लोग किस लिए वोट दिए? राम मंदिर सब बन रहा है, राम मंदिर बनेगा क्या? घर में सजाने का रास्ता मिलेगा तो राम मंदिर जाएंगे कैसे? पूजा पाठ करने से जनता की जो है पेट भरेगा। इतना जो है जितना राम मंदिर में पैसा लगा रहा है, अगर जनता के लिए कोई रोजगार खोलता तो आज जनता खुशहाल होती। ते जोगी जो है बेवकूफ आदमी है, साला जो है खाली मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा, केवल इसी चक्कर में है? खाली इसी चक्कर में, इसको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। राम मंदिर का जो है कि निर्माण छोटा मंदिर में हुआ है, बड़ा मंदिर में करके दिखाएं मोदी जोगी जी। बड़ा मंदिर बनवा रहे? बड़ा मंदिर अभी बना नहीं है, छोटा मंदिर चिराग भरवा के घंटा बजवा दिए हैं, बड़ा मंदिर भरवा के दिखाए तो उसके बाद हम जाने की उम्र है। भैया ये क्या माहौल है घोसी में? माहौल अच्छा है। कौन जीत रहा है? सपा या भाजपा? भाजपा, भाजपा भैया, भाजपा। देखिए बहुत सही भैया है, देखिए तू चश्मा लगाए भैया, क्या माहौल है? अरे सुधाकर का माहौल बढ़िया है, हम सपा है, सपा है, साइकिल वाले हैं। लेकिन है तो भाई से? अरे है तो केवल भाई, तो हम लोग सपाई सपाई जानते हैं, पर सपा का माहौल है अच्छा, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ घोसी से, घोसी से। अरे कम से कम 50 जीतेंगे हम लोग। अरे दारा सिंह कह रहे हैं पूरा माहौल अच्छा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। क्या बात कर रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं, ये बताइए कि कभी केशव प्रसाद जी आज पूरा समीकरण? नहीं नहीं नहीं, केशव प्रसाद क्या है, वो कुछ नहीं है, सपा में जाते हैं वहाँ भाग जाते हैं, दरबदल नेता हुआ है, मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, इस वक्त आम आदमी हुआ है। हाँ भैया, क्या माहौल? जमीनी नेता ये सबसे आके मिलते भी हैं हमेशा, और सभी लोगों का सुधाकर सुधाकर चाचा भैया, का माहौल भाई बतावा, के सुधाकर सिंह या दारा सिंह? देखिए ओबीसी, ओबीसी जो वोट देता है दारा सिंह को ही, इनको दारा सिंह को देता है, दारा सिंह चौहान को, और सुधाकर सिंह को सवर्ण वोट देते हैं। अच्छा, ठीक ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग जितने सवर्ण हैं सभी लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे, और हाँ, और ओबीसी के लोग